इंडियन एयरफोर्स का C-17 एयरक्राफ्ट जो है वो करीबन 170 लोगों को लेकर पहुंचा है। और अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो तो आपको नजर आएगा कि C-17 जो है अभी लैंड किया है। और खास बात यह कि करीबन 168 जो पैसेंजर्स हैं वो इसमें मौजूद होंगे और इसमें करीबन 100 के करीब भारतीय हैं और इसके अलावा अफगान नागरिक भी इसमें मौजूद हैं। और अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो कि अब ये एयरक्राफ्ट जो है वो लगातार इस तरफ आता हुआ और ये करीबन अभी सुबह 10 बजे के करीब ये लैंड किया गया है। और इम्पॉर्टेंट ये है कि लगातार जो खास बात यह है कि जो करीबन 170 के करीब जो भारतीय हैं, माफ़ कीजिएगा, 170 के करीब जो इसमें पैसेंजर्स हैं वो इसमें मौजूद हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ और कि लगातार काबुल से जो सॉर्टीज चल रही हैं, कमर्शियल फ़्लाइट्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और दूसरी फ़्लाइट्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अभी जो है वो करीब करीब जो कहा जा सकता है कि जो इंडियन एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट हैं वो लगातार इसी तरीके के पैसेंजर्स को लेकर आ रहे हैं। तीसरी सॉर्टी है, इंपॉर्टेंट सॉर्टी है ये, जहाँ से ये लोग ख़ास तौर पर इन लोगों को लेकर पहुंचे हैं। मेरे पीछे अगर आप देख रहे हो कि एक्सक्लूसिव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा था और बता रहा था कि आखिरकार कितने लोग हैं जो करीब इसमें आए पहुंचे हैं। और लगातार कल जिस तरीके से कहा जा रहा था कि 150 भारतीयों को अगवा करने की बात की जा रही थी, उसके बाद ये बात कही गई कि सारा झूठ है, फेक खबर है, लेकिन उसके बाद अब ये पहली सॉर्टी है कल के बाद जो यहाँ पर उतरी है। और C-17 जो है वो कई सॉर्टीज कर चुका है इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट, और तीसरी सॉर्टी है जो भारतीय नागरिकों को लेकर यहाँ पहुँची है। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, दो गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।